रितु अपने पति से बात करते हुए सूर्य कमल को एटीएम बोलती है और ये बात प्रीति सुन लेती है। रितु नारियल खरीद रही होती है तभी प्रीति आती है और वो भी एक नारियल लेती है। रितु कहती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, जिस पर प्रीति कहती है कि एटीएम है ना। इधर सूर्य कमल सुमी को लेकर अपने उसके ससुराल जाता है तो वहाँ पर ऋषि उसे अंदर घुसने नहीं देता है, उसे वहीं से दरवाजे से ही भगा देता है। इसलिए सूर्य कमल उसे घर लेकर आता है और चुगली मास्टर जाके अम्मा जी से चुगली करके आती है और तभी अम्मा जी आकर थोड़ा सा चिल्लाती हैं, लेकिन सूर्य कमल बोल देता है कि ये आज रात यहीं पर रहेंगी। और ऋषि अपनी सास से बताता है कि सुमी मुझसे लड़ाई करके सूर्य कमल के साथ चली गई है। इसलिए चाची सूर्य कमल के पास फ़ोन करती है और उसको डांटती है कि मैं अभी आ रही हूँ उसको लेने। और यहाँ पर रितु अपनी ही चाल चल रही होती है और वो दूध के बर्तन से दूध निकाल कर थोड़ा सा दूध रख कर उसमें पानी मिला देती है, जिससे कि सुमी के लिए सिर्फ पानी वाला दूध जाए। लेकिन प्रीति अलग से लोटे में रखा हुआ दूध देख लेती है और जो दूध के बर्तन में जो दूध होता है उसमें पानी पानी रहता है ये भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सारा कांड रितु का ही है। इसलिए वो रितु से कहती है कि तुम इस दूध पानी वाले दूध से अम्मा जी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर दे दो और जब अम्मा जी पूछेंगे कि इतना पानी क्यों है तो उसका जवाब तुम्हें देना। फिर प्रीति रितु के सामने ही प्योर दूध गिलास में लेकर चली जाती है। तो आज फिर प्रीति ने रितु को मात दे दी। इस प्रकार प्रीति का स्कोर हो चुका है अब 3 और रितु का अभी भी 0 है।